तो सीक्वेंस है हमारे पास 2/3 प्लस 4/9 प्लस 6/27 प्लस 8/81 अप टू इंफिनिटी। कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम यह है कि ये जो सीक्वेंस है ना तो एपी है प्रॉपरली और ना ही ये जीपी है। बहुत ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर है 2, 4, 6, 8, एक एपी है जिसको कॉमन डिफरेंस 2 है, जबकि डिनोमिनेटर 3, 9, 27, 81 एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 3 है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम पूरी सीक्वेंस को एस एज्यूम कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/9 प्लस 6/27 प्लस 8/81 प्लस अप टू इंफिनिटी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? आपको लिखना है एस इज इक्वल टू, जो 2/3 था ना, इस 2/3 को शिफ्ट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2/3 प्लस नेक्स्ट स्टेप यहां पर क्या आएगा? 4/9। 4/9 प्लस यहां पर क्या आएगा? 6/27। इस तरह से अगर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, तो ये भी हमारा अप टू इंफिनिटी पहुंच जाएगा। अब जो आपके पास सीक्वेंस अब आई है, इसको हम लोग 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ द साइड्स। तो 1/3s, 1/3s इज इक्वल टू 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर 2/9 आ जाएगा, यहां पर आएगा 4/27, यहां पर आएगा 6/81 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इतना आपको ठीक से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इस रिजल्ट को आप लोग लिखो इक्वेशन ए, और जो हमने अभी भी निकाला उसको लेंगे इक्वेशन बी। दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए एंड बी, तो एस माइनस 1/3s इज इक्वल टू, यहां पर 2/3 है, प्लस 4/9 माइनस 2/9 कितना होगा? 2/9। इसके बाद 6/27 माइनस 4/27 कितना होता है? 2/27। इसके बाद देखो 8/81 माइनस 6/81 तो यह आ जाएगा 2/81 प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, एक काम कर सकते हो, आप 2 कॉमन निकाल सकते हो आरएचएस में से, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 2/3s, और राइट हैंड साइड से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास आएगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81 अप टू इंफिनिटी। बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास जो आरएचएस में आया ना ब्रैकेट के अंदर, वो एक जीपी है, और जीपी के अंदर सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। क्या होता है? एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 2/3s इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ए। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज 1/3, तो 1/3 यहां पर लिखो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, मतलब 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है? 1/9 को डिवाइड करो 1/3 से, 1/3 आएगा, तो यहां पर लिखो 1/3। अगला स्टेप, एक काम कर सकते हो, 2 2 काट दो। ठीक है, हमारे पास बचा क्या? s/3। s/3 इज इक्वल टू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इज 2/3, तो यहां पर लिखो 2/3। ठीक है, इसके बाद देखो s/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3/2। ठीक है ना, इसके बाद क्या करें? 3 3 काट सकते हैं, हमारे पास बचा क्या है? s इज इक्वल टू 3/2, यानी कि s इज इक्वल टू 1.5। इसका मतलब निकला क्या? जो हमें सीक्वेंस दी थी ना, 2/3 प्लस 4/9 प्लस 6/27 प्लस 8/81 अप टू इंफिनिटी, उसका रिजल्ट है 1.5। ठीक है, तो थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।